स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। रजनी में घर के अंदर घुसा बीबट। भंडारा जिले के ग्राम रजनी के केवल राम प्रधान के घर में रविवार को सुबह 6 बजे एक बीबट घुसने से खलबली मच गई। 8 घंटे के बाद फॉरेस्ट विभाग की रेस्क्यू टीम ने बीबट को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला। बताया गया है कि रजनी गांव जंगल प्राप्त नहीं है, फिर भी यहां बीबट के आने से लोग भौचक्के रह गए। सुबह बीबट ग्राम पंचायत के समीप रास्ते पर एक आदमी ने देखा तो वह चिल्लाने लगा। उस पर बीबट ने हमला कर उसे जख्मी किया। बताया गया है कि बगल की गली में केवल राम प्रधान के मकान के दरवाजे के पास गाय और उसका बछड़ा था। उस बछड़े पर हमला करने के चक्कर में बीबट खुद ही दरवाजे से मकान के अंदर घुस गया। जैसे ही बीबट अंदर घुसा तो बाहर से दरवाजा बंद किया गया। वन विभाग के लखानदूर के RFO रमेश दोनोड़े को पता चलते ही वे अपने प्योर दमकल के साथ रजनी पहुंचे। DFO के साथ रेस्क्यू टीम ने भी पहुंचकर बीबट को बड़ी मशक्कत से बेहोश किया गया। बेहोशी के हालत में बीबट को पिंजरे में डालकर ले जाया गया। इधर बीबट को एक नजर देखने के लिए हजारों भीड़ जमा हो गई। आइए देखते हैं हमारे भंडारा ब्यूरो चीफ निशांत लांजीवार की खास खबर। आप अपना नाम बताइए और ये आपके घर में जो बीबट घुसा है अंदर, ये कब हुआ गया, घटना कब हुई? घटना 6 वाजता दरमियान घटी है आणि इथं एकटे वासरू जवळ असताना त्याने इथून आला आणि इथून सीधा घरामध्ये घुसला आणि माझी पत्नीसुद्धा होती त्या घरामध्ये। वाघ म्हणताने सीधा घरातून लहान माझी मुलगी होती तिला घेऊन ती बाहेर निघली आणि दार बंद केलं। म्हणून गावातील लोक आले। लोक आल्यानंतर किती बजे घेतला? 6 बजे सुबह 6 बजे की। तब आप क्या करते थे? मैं हॉटेल में था। अच्छा, तब भी पता चला। तो इतने अंदर कैसे क्या, मतलब गांव के अंदर घुस गए? हाँ, बिरली से आया बोले लोग। अच्छा, बिरली से आया। बिरली रात के बराबर इधर से आया के अंदर? नहीं नहीं, यहाँ से रोड है, रोड के तरफ तरफ निकल गया। अच्छा, अचानक आपके घर में कैसे एंट्री की उसने? गाय के बछड़े थे ना जी। अच्छा, तो गाय के बछड़े के ऊपर हमला करने के लिए उसने किया? सामने ही दरवाजा। अच्छा, जब जंप मारी बछड़े के ऊपर जंप मारी तब भी तो अंदर घुस गया। अच्छा, बछड़ा छोटा था ना। हाँ हाँ, अंदर घुस गए। अंदर आप अंदर थे क्या? कि नहीं, अंदर कोई नहीं था, सिर्फ कुकर लगा था। अच्छा, गैस के ऊपर। आपने सीधा बाहर से दरवाजा बंद कर दिया? बंद कर दिया। अच्छा, या कोई जख्मी तो हुए बोलते? और ये तो जो दो मिनट का है वो। अच्छा, हमारे घर के नज़दीक। हाँ, वो उसको पंजा लगा हाथ पर। अच्छा, मतलब वो रास्ते में आ गया उसके? उसके रास्ते में भी आते तो खड़ा रहता था। अच्छा, खड़ा रह के वो वाग वाग चिल्लाए लोग। हाँ, तो काटी लेके खड़ा रह गया तो वाग ने उसको हमला कर दिया। अच्छा, तो जख्मी हो गया? जख्मी। अस्पताल ले गए? अस्पताल ले गए। तो ये थे गोपाल जी प्रधान। इनके घर के अंदर ये जो बीबट घुसा हुआ है और अभी फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी यहाँ पर आ चुके हैं। सुबह 6 बजे की घटना है, अभी करीबन 12:30 बजे का समय हो चुका है। अभी तक के कोई कार्रवाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से की गई नहीं है। अभी धीरे धीरे उनकी कार्रवाई चालू है। गन वगैरह उन्होंने लाया, अभी बेहोशी करने का उनका काम चालू है। बेहोशी के बाद में उसको पकड़ा जाएगा, उसको बाहर लेके आ जाएंगे। लेकिन यहाँ देखा जाए तो बड़ा हुजूम लोगों का यहाँ पर है। हजारों लोगों की तादाद में लोग उस बीबट को देखने के लिए यहाँ पर जमा हो चुके हैं। लखानदूर तहसील के ग्राम रजनी में रजनी के गोपाल प्रधान, इनके घर में एक सुबह एक बीबट घुस गया था। फॉरेस्ट विभाग के रेस्क्यू टीम ने अभी उसको अपने अंडर में ले लिया है और उसको अभी जंगल में छोड़ने के लिए लेके गए। हमारे साथ में लखानदूर के RFO दोनों जी हमारे साथ में हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर जी, मुझे बताइए कि ये सुबह आपने 6 बजे से जो बीबट एक गोपाल प्रधान के घर में घुसा, ये कहाँ से आए और आपने कैसे उसको, मतलब रेस्क्यू में आपने उसको पकड़ा? सुबह 6 बजे मेरे को फ़ोन आया गाँव से, गाँव करी का, कि गांव में एक बीबट आया है। तो उसी वक्त मैं अपने स्टाफ को अलर्ट कर दिया और स्टाफ के साथ हम यहां पहुंच गए और साथ में जाड़े नेट वगैरह जो भी साहित्य थे वो साहित्य लेकर मैं पहुंच गए और बीबट सर्चिंग किए तो उसके घर में अंदर में बैठा था।
और सब बड़े ऑफिसरों को हमने इन्फॉर्म किए, डीएफओ साहब, माननीय डीएफओ साहब, एसएफ साहब, सब रेस्क्यू टीम सभी जगह पे आके उसका पूरा एक ऑपरेशन पूरा क्लियर हो गया और अभी उसको सुरक्षित ठिकाने में छोड़ दिया जाएगा। अभी कहाँ ले गए? अभी वो डीएफओ साहब ने साथ में लेके गए और वहाँ सुरक्षित ठिकाने में छोड़ा जाएगा, उसका डिसीजन बाद में लेंगे। अच्छा, तो ये था हमारे साथ में दोनों जी कि इन्होंने बताया कि रेस्क्यू टीम आकर इन्होंने पूरा कवर किया और अभी सुरक्षित जगह छोड़ने के लिए डीएफओ ने उनको अपने हाथ में ले लिया, अपने अंडर में ले लिया और वो ले गए। खास बात यह है कि ये जो राजनी गांव जो है, ये राजनी गांव के दोनों साइड में एक तो गोसे डैम जो है वहाँ पर जंगल एरिया है और बाजू में दांडे गांव, लाखांदूर तहसील में दांडे गांव एरिया जो जंगल का एरिया, उसमें बिबर्ड बाघ ऐसे एक हिंस्र जानवर यहाँ रहते हैं और अभी धूपकाले का समय है, पानी वगैरह पीने के हिसाब से ये बाहर आ चुके हैं। आज सुबह यहाँ पर 6 बजे आने के बाद में कुछ गांव के एक दो लोगों के ऊपर हमला भी करने की कोशिश की और प्रदान किया, जब एक गाय के बछड़े के ऊपर हमला करते करते अंदर दरवाजे से अंदर वो बिपट अंदर घुस गया और अभी फॉरेस्ट विभाग के हाथ में वो लग गया है। यहाँ पर हजारों की तादाद में लोगों ने उसको देखने की मतलब मंशा रखी, लेकिन रिस्की काम था, तुरंत उसको पकड़कर पिंजरे में डालकर उसको यहाँ से लेके गए हैं। मैं निषाद लांजी और एमएनएस न्यूज़ भंडारा। एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।